डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इस कड़ी में पतले लेंस के फोकस दूरी के लिए न्यूटन के सूत्र का निगमन कराने जा रहे हैं। आप उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लेते हैं, एक हमारा ये पतला लेंस उत्तल लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर सी है, और ये आपकी ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर जाने वाली जो रेखा है ये क्या है, मुख्य अक्ष है। यहां पर प्रथम फोकस यंगडेश और यहां पर द्वितीय फोकस आपका यंग है। यहां पर प्रथम फोकस आपका यफ डैश है, यहां पर द्वितीय फोकस यफ है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, एबी, एबी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम दो बातों का ध्यान देंगे। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर किरण को चलाते हैं। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात कहां से जाती है, ये आपकी द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। तो ये द्वितीय फोकस से होकर जा रही है बच्चों। अगली किरण को हम प्रथम फोकस से चलाते हैं इस तरह से, ये आपकी प्रथम फोकस से होकर जा रही है। तो ये प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस तरह से यहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, ठीक है बच्चों। हमने मान लिया ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से प्रथम फोकस की जो दूरी है एफ डैश है, और द्वितीय फोकस की जो दूरी है, द्वितीय फोकस की दूरी एफ है। प्रथम फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी एक्स डैश, द्वितीय फोकस से ऑब्जेक्ट इमेज की दूरी आपकी एक्स है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लेंगे, माना दोनों फोकसों की दूरियां यक्ष डैश व यक्ष सॉरी यफ डैश व यफ तथा फोकस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां यक्ष डैश व यक्ष, ठीक है बच्चों। ये आपकी दो दूरियां दी गई हैं, आप देख सकते हैं ए और एस का रूप त्रिभुज का युग्म होगा पहला, और दूसरा जो है समरूप त्रिभुज का ए और ए युग्म होगा। अगर इसका नाम हम यम लिख दें, इसका नाम यम लिख दें, तो हमारे पास दो त्रिभुज होंगे, त्रिभुज बी ए एफ डैश तथा त्रिभुज यल सी एफ डैश में क्या मिलेगा बच्चों, एंगल बी ए एफ डैश इज इक्वल टू एंगल यल सी एफ डैश, ये आपका 90 डिग्री, और ये कोण और ये कोण क्या होंगे, एंगल ए एफ डैश बी इज इक्वल टू एंगल यल एफ डैश सी, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। बात आपको समझ में आ रही है। तो दोनों ट्रायंगल बी ए एफ डैश सिमिलर होंगे यल सी एफ डैश। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सिमिलर हो गया, तो उस स्थिति में इसके सामने की भुजा ए बी और इसके सामने की भुजा सी एल काम का क्या होगा, ए बी डिवाइड बाय सी एल इज इक्वल टू ए एफ डैश डिवाइड बाय सी एफ डैश,
बच्चों हमको मालूम है कि सीएम बराबर क्या है, सीएम बराबर होगा ए डैश बी डैश, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। तो यहां हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए का डिस्टेंस क्या है माइनस यक्स डैश, इसका क्या है माइनस यफ डैश। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लिख सकते हैं ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू यक्स डैश अपॉन यफ डैश, ये आपका पहला समीकरण बनेगा। ठीक है बच्चों, आगे हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब इस दूसरे युग्म की तरफ आते हैं। दूसरा युग्म है त्रिभुज यम सी यफ तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश यम मी, क्या मिलेगा बच्चों? तो आप देख सकते हो ये ट्राइंगल एंगल यम सी यफ एज इक्वल टू एंगल हो जाएगा आपका बी डैश ए डैश यफ 90 डिग्री होगा, ये आपकी 90 डिग्री होगी बच्चों। और दूसरा एंगल क्या है इसमें, एंगल यम यफ सी एज इक्वल टू एंगल ए डैश यफ बी डैश, इसको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। तो ट्राइंगल यम सी यफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डैश ए डैश यफ, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो गए तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, इसके सामने की भुजा यानी इस कोण के सामने की भुजा यम सी और इसके सामने की भुजा ए डैश बी डैश का अनुपात यम सी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा सी यफ अपॉन ए डैश यफ। हमको पता है यम सी इक्वल टू क्या है ए बी, ए आपका एक आयत बनाता है तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा यम सी। तो कर सकते हैं ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, सी एफ की वैल्यू क्या है बच्चों यफ, और ए डैश यफ की वैल्यू क्या है यक्स। तो इसको आप समीकरण दो लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं समीकरण एक और समीकरण दो दोनों का लेफ्ट साइड क्या है समान है, तो राइट बराबर होगा समीकरण एक व दो से आपको प्राप्त होगा बच्चों यक्स डैश अपान यफ डैश इज इक्वल टू यफ अपान यक्स। अतः इसको हम लिख सकते हैं यक्स यक्स डैश इक्वल टू यफ यफ डैश। तो यही अभीष्ट न्यूटन का फार्मूला है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।